मिनिस्ट्री सिंह सैयद मुराद अली शाह को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा मौलाना असद महमूद साहब, चौधरी हसन इकबाल साहब, अमीनुल हक साहब, मजीर औरंगज़ेब साहिबा, कमर जमान कायरा साहब, यहाँ बैठे हुए सूबाई वज़रा, कौमी और सूबाई असम्बली के मेम्बरान, इस शहर हैदराबाद के दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, NHA के दोस्त, इधर आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे मेरे से पहले मुकर्ररीन ने फरमाया, आज तारीखी दिन है, हिस्टोरिक डे है। एक लिंक जो बता रहे हैं कि 2014 से प्लान था, हमें 8 साल लग गए, जो चीज़ 2014-15 में हो सकती थी वो डिले हुई, और पूरे जो नॉर्थ टू साउथ, शुमाल से जनूब तक जो हमारी शाहरा है, उसमें ये 300 किलोमीटर के करीब, 307 किलोमीटर के करीब एक गैप रह गया था। और मियाँ साहब, आपने आज इसका इफ्तिताह, मैंने सखर में भी कहा था, दोनों तरफ से इफ्तिताह किया है, दोनों एंड्स पे करा, सखर में भी, और अभी हम हैदराबाद में मौजूद हैं। और इस दफ़े तो आप हवाई जहाज़ में आए, अगले दफ़े इंशाल्लाह ताला जल्द आप बाय रोड भी इस शहरा पे आएंगे। और इसको मौलाना साहब आपसे अर्ज़ है कि जितनी डिले इसकी प्लानिंग और फाइनल ग्राउंड ब्रेकिंग में हो गई है, इसकी एग्जीक्यूशन में ये सारी डिले जो है हमें मेकअप करनी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि ये होगी। हैदराबाद में बैठे हैं, मैं बड़ा करीबी ताल्लुक़ है हैदराबाद से, मैं पैदा तो कराची में हुआ था, लेकिन उसके बाद हैदराबाद मैंने अपनी पहली जमात किंडरगार्टन हैदराबाद सेंट बोनवेंचर से, और इस जगह पे जहाँ आज खड़े हैं, मैंने बताया था कुछ दोस्तों को अभी कि मेरी ज़िंदगी की पहली फ़्लाइट भी हैदराबाद से कराची थी, इसी एयरपोर्ट से। एज यंग किड, जब बस वो जहाज़ में बैठने का शौक था तो बिठा दिया था, और मैं हैदराबाद से कराची गया था, तो वो यादें वाबस्ता हैं। और जो अमीनुल हक साहब ने एक बात कही हैदराबाद शहर के लिए, हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है, लेकिन माजी में भी, चाहे वो सदर आसिफ अली जरदारी हों, जब वो सदर थे उन्होंने भी हैदराबाद के लिए स्पेशल स्कीम्स दी थी, चाहे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, और आज आप आएँ तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप भी, जैसे अमीनुल हक साहब ने कहा कि हैदराबाद के लिए पैकेज और बड़ी स्कीम का ऐलान करके जाएंगे। बाकी जो मैं सखर में बताया, मौलाना साहब ने जिक्र किया कि बीच में लोग आए थे ना, उनका जिक्र करना भी मुनासिब नहीं समझता है, इसलिए कि उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, सिंध के लोगों को तो ख़ास तौर पे, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोगों को उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए उनसे कभी मांगा भी नहीं, उनसे कभी कहा भी नहीं। हाँ, अपने हक की बात ज़रूर की उनके सामने, लेकिन आपसे अपना समझ के हम अपने हिस्से से ज़्यादा मांगेंगे ताकि हमें यहाँ पे मिले लोगों की खिदमत करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैंने सखर में जिक्र किया था दो तीन चीज़ें, कुछ तहफ़ुज़ात हमारे थे, मौलाना साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो खुद हैदराबाद तशरीफ़ लाए, हमने मीटिंग्स की। तहफ़ुज़ यही था कि जी पूरे पाकिस्तान में नॉर्थ से साउथ तक, जैसे आपने फरमाया था सखर में भी, यहाँ तो पब्लिक एक्सचेकर से ही लोन्स लेके, या फिर ADP से हमने इशाराएँ बनाई, लेकिन जब हम सिंध में दाखिल होते हैं तो सखर से हैदराबाद भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और हैदराबाद से कराची भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अच्छी बात है, हम खुद बड़े प्रोपोनेंट्स हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, लेकिन इसमें ज़रूर वो फाइनेंसिंग अरेंज करने में डिले होती है। मौलाना साहब ने और उनकी टीम ने हमें बताया था कि निजी डेवलपर अपनी इक्विटी से काम शुरू कर देगा, तो हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, ये काम शुरू हो। जो अभी जिक्र हुआ कराची से हैदराबाद, ये सुपर हाईवे बना था 1970s में, वो भी मुझे याद है कि शायद पहला या दूसरा दिन था मैंने इस सड़क पे कराची से हैदराबाद ट्रैवल किया था, पहले हफ्ते में, आई एम श्योर
एग्जैक्ट याद नहीं, और उसके बाद ये ड्यूलाइज हुआ, उसको भी 25-30 साल हो गए जब ये 4 लेन बनी, पहले 2 लेन थी। इसको एक हाईवे की सूरत में, नॉट एज अ मोटरवे जैसे हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में FWO ने को दिया गया और ये बना, और इससे कराची, हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। एक तो इसकी क्वालिटी, उस पर काफ़ी एतराजात लोगों के लगते रहे। सेकेंडली ये फ्री एक्सेस है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स अभी भी डिस्पाइट कि ये मोटरवे होते रहे, और मोस्ट रिसेंट मैं आपको बताऊँ, मैं और भी जिक्र करूँगा, दो वो नॉट एग्जैक्टली हाईवे की वजह से लेकिन एक्सीडेंट हुआ था जहाँ तकरीबन मेरे ख्याल 18 लोग थे जो खैरपुर नाथन शाह के फ्लड अफेक्टिव थे, वो वापस खैरपुर नाथन शाह जा रहे थे तो यहाँ पे उनकी बस को आग लग गई, एक्शन हुआ और उस 18 लोग जहाँ बहक हो गए थे। इस वजह से ज़रूरी है, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर अमीन साहब ने कहा, कि इसके लिए प्लान किया जाए कि ये प्रॉपर, नहीं तो ये अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 140 किलोमीटर के करीब होगा, 150 किलोमीटर, ये अभी भी आपकी साउथ कनेक्शन जो है उसमें एक ब्लैंक रहेगा, तो इस पे ज़रूर NHA गौर करे और इसको कंसिडर करे। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर साहब, एक NHA से मैंने कहा था कि बाकी शिकवा शिकायतें मैं हैदराबाद में करूँगा, जब सिंध में एंटर होते हैं तो NHA के प्रोजेक्ट्स बहुत ही स्लो डाउन हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं होते। और मैं ख़ास तौर पे दो सड़क का जिक्र करूँगा, एक सड़क तो यहाँ ही से शुरू होती है जहाँ हम खड़े हैं, तकरीबन जाम शोरों से सेवन जाने वाली सड़क जो ड्यूलाइज करनी थी, ये 90s में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में सड़क बनी थी, इसको ड्यूल कैरेज वे के लिए मैंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से 2017 में रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको आप ड्यूलाइज करें। उस वक्त इसहाक डार साहब, करंट फाइनेंस मिनिस्टर, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा, और मैंने उनसे कहा था कि जी जो शहबाज कलंदर के लोग जाते हैं ज़ायरीन, उनको तकलीफ होती है, तो उन्होंने कहा जी शहबाज कलंदर के मानने वालों में से आप भी हैं तो सिंध हुकूमत आधे पैसे दे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसी फेडरल प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। वो रोड बनने की चाहते थे, वो ज़रूरी था, हमने कमिट किया। अप्रैल 2017 में, आज से कितने साल हो गए, अब 5.5 साल से ज़्यादा हो गए, अप्रैल 2017, उस वक्त NHA ने एस्टिमेट किया ये 14 अरब रुपए की ये सड़क बनेगी, ड्यूलाइज होगी, 7 अरब आपका हिस्सा बनता है। हमने कहा जी हम दे देंगे, NHA से जवाब आया, और ये सब राइटिंग में, कि नहीं जी हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे, आप 7 अरब रुपये जमा कराएं तो फिर हम अपनी डिज़ाइन और प्लानिंग स्टेज शुरू करेंगे। 17 अप्रैल 2017, 7 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट को दिए, वाइड मौका जब दिए गए पैसे, एक फेडरल प्रोजेक्ट है, हाईवे है, नेशनल हाईवे है, 7 अरब रुपए दिए गए, और उसके बाद प्लानिंग वगैरह शुरू हुई। अभी कहा था कि आखिरी इफ्तिता बड़ी शाहरा का, सॉरी ग्राउंड ब्रेकिंग बड़ी शाहरा की मियाँ नवाज शरीफ ने की, ये नाचीज़ भी उस सड़क की नवंबर 2017 में ग्राउंड ब्रेकिंग पे आया था, वो भी एक अच्छी ड्यूल कैरिज वे है, 5 साल गुजर गए उसको डिस्पाइट पैसे देने के हमारे। उस सड़क को क्या किया कि 200 में बांटा, 128 किलोमीटर है, 64 किलोमीटर का कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसों से NHA बनाएगी, और बाकी 64 किलोमीटर फेडरल गवर्नमेंट खुद बनाएगी। पहले जो 64 किलोमीटर्स थे उसके 3 उन्होंने किए पैकेजेस, उसमें से पैकेज 1 और 2 कंप्लीट है, तकरीबन 40 किलोमीटर सड़क कंप्लीट है, 24 किलोमीटर सड़क का आज तक, वो एक टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, दूसरा टेंडर हुआ कैंसिल हुआ, और वो अभी तक वैसे ही पड़ी है। बाकी जो 64 किलोमीटर्स था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन से बनाया, वो भी अप्स एंड डाउन्स आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5 साल में अभी कहते हैं तकरीबन 60-70% उसका काम हो गया है। उस सड़क पे प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले 5 साल में, एग्जैक्ट तादाद तो मैं इस वक्त नहीं बता सकूंगा, बट हंड्रेड्स में डेथ्स हुई हैं,
वो रोड प्रॉपर ट्रैफिक बहुत है उस रोड पे, और मैंने जो साबका वजीर आजम थे उनको मैंने एक दिन तो थोड़ा सा तो ये कहा था कि ये सारी आपकी जिम्मेदारी है जो इस पे टेस्ट हो रही है, इसलिए कि आपने, और मैंने ये भी कहा था उनको, मैंने पहले साल में उनसे कहा था अगर आपसे नहीं बनता ये रोड आप सिंध हुकूमत को दें, हम बना देंगे नेशनल हाईवे का रोड, हाँ हमें अपने पैसे भी वापस करें और जो बाकी 7 अरब देने वो दें, हम आपको बना के देंगे, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने एक चैलेंज लिया था। हमने 64 किलोमीटर सांगड़ से नवाबशाह 2.5 महीने में सड़क बनाई थी उस वक्त, याद इधर लोग होंगे जो इधर बैठे जो उधर में सब गुजरे होंगे, हमने कहा आप हमें दें हम आपको बनाएंगे, इसलिए कि हमारा रोड नेटवर्क, और मैं ये चैलेंज से कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब कि जो NHA की क्वालिटी है सिंध के अंदर रोड्स की, उससे बेहतर क्वालिटी के रोड सिंध हुकूमत बना रही है, और आप आगे देख ले चाहे वो हैदराबाद मीरपुर खास ड्यूल कैरेवे जो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बनाया, ठट्टा कराची है, कई और सड़कें हैं जो कि सिंध हुकूमत ने बनाई, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि, और एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मीरपुर खास से उमरकोट NHA ने रोड बनाना है, सदियों से नहीं तो दिहाइयों से बन रहा है वो रोड, और उसकी हालत अभी, फिर मैं मौजूदा फ्लड्स में गया था, ऐसी नहीं, वो लगता है किसी लोकल गवर्नमेंट ने बनाया है रास्ता, तो मैं मौलाना साहब से करूँगा, इनके कोई इसमें कसूर नहीं है, लेकिन मौलाना साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये ज़रूर करूँगा कि NHA को कहें कि अपनी क्वालिटी रोड्स की बेहतर करें, ख़ासतौर पर जब सूबह सिंध में आती है वो प्रॉब्ली टेक अस फॉर ग्रांटेड, और हमारा उन पर असर रसूख इतना नहीं रहता, और हमें ये सड़कें जो हैं ये बेहतर बना के दें। इसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर मैं करना चाहता हूँ कि जो जामशोरों से 7 रास्ता बन रहा है, उसके बाद 7 से आगे ड्यूल कैरिज वे है बना हुआ बिल्कुल बॉर्डर तक, फिर बलूचिस्तान में भी और पंजाब तक, ये बड़ा अच्छा ऑल्टरनेट रोड है। 7 बहुत बड़ा शहर है और 7 से वो फिर 2 लेन का बन जाता है, इसलिए कि वो शहर के बीच में से गुजर रहा है। 7 बाईपास, वो अगर आप अगली ADP में चौधरी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ये ऐड करें, ताकि वो जो 4 लेन रोड है वो 4 लेन रोड आगे जाके कनेक्ट करे 7 से आगे जो हाईवे जा रहा है उसको, और 7 बाईपास बने, अदरवाइज एक बॉटलनेक भी हो जाएगा और उस शहर में वो सकत नहीं होगी कि इतनी ट्रैफिक को फिर वो शहर के तकरीबन बीच में से वो गुजरता है वो बर्दाश्त कर सके। प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा वक्त नहीं होगा, फ्लड्स के बारे में उधर भी मैंने बात की थी, तो दोबारा कहूँगा आपकी शुक्रगुजार है, फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी हमारी मदद की और लोगों की मदद की, आप खुद तशरीफ लाए, कई बार आए, और आपने भी कहा है अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह ताला आप प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में जाएंगे, अभी तक लोग तकलीफ़ में हैं, अभी तक लोगों के घर गिरे हुए हैं, मैं रिपीट नहीं करूँगा जो पहले बात की थी, इंशाल्लाह ताला आपकी मदद से आपके साथ मिलके आपके रहनुमाई में हम इन लोगों को घर बना के देंगे, जो सैलाब से नुकसान हुआ है इंशाल्लाह ताला वो उनका पूरा करेंगे। आखिरी 2 चीज़ें, एक तो सेक्रेटरी साहब ने चेयरमैन NHA ने क्लैरिफाई कर दिया था कि टोल उस पर वही लगेगा जो बाकी रोड्स पे लग रहा है, ये नहीं कि PPP में हो रहा है तो वो टोल बढ़ा दिया जाए। और एक और चीज़ जो मैंने सखर में भी कही थी, इधर भी सेक्रेटरी साहब ने जिक्र किया कि 25,000 नौकरियाँ इस सड़क को बनने में क्रिएट होंगी, ये 25,000 नौकरियाँ हैदराबाद से लेके सखर के दरमियान जो लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो कि जी बाहर से लोग आ रहे हैं और वो नौकरियां कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन के जो आपकी डेवलपर है उसको सख्ती से हिदायत की होनी चाहिए कि वो लोकल लोगों को जॉब्स दें, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे वो लेबर के लोग हों, लोकल लोगों को उनको नौकरियाँ देनी चाहिए। एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मैं शुक्रगुजार आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने पूरा दिन हमें तकरीबन दिया, आपकी और मसरूफियात भी हैं और आपने इस अहम प्रोजेक्ट की इफ्तिताह के लिए आप आए, और इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा इलेक्शंस बता चुके हैं, शेड्यूल पूरा अमीनुल हक साहब अपना दे चुके हैं, इलेक्शंस तक ये उम्मीद करना कि कंप्लीट हो जाएगा रोड, ये तो हम नहीं, हो जाए तो अल्लाह ताला मौलाना साहब हैं दुआ करते हुए करें, लेकिन काम होता हुआ नज़र आना चाहिए फुल फोर्स में,
और आप, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे आपने उधर कहा था कि आप अचानक दौरा करते हैं, आप प्लीज़ अचानक दौरे करें और इस रोड की कंस्ट्रक्शन, आप हमें NHA सबको अकाउंटेबल रखें कि ये रोड टाइमली कंप्लीट हो और लोगों को फ़ायदा हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।